किसान संघ के सुभाष पटेल ने लगाए सरकार पर आरोप, किसानों के वाहनों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर ट्रायली को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। वहीं किसान संघ के धर्मचंद पटेल सुभाष पटेल ने आरोप लगाया कि मंडी सचिव राजनीतिक दबाव के चलते सचिव वाहनों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि कोई लिखित आदेश अभी तक मंडी सचिव के पास नहीं है। पिकअप खड़ी करता है और मंडी प्रशासन उसको तीन दिन से परेशान कर रहा है। मैं इस जिले के कलेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो समय है कोरोना महामारी का, आप इसका बहाना लेकर किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरा निवेदन है कि मंडी में किसानों को आने दें और किसी प्रकार को उसको परेशान नहीं करें। अभी यह समय किसानों को परेशान करने का नहीं है, यह समय सबको साथ मिलकर कोरोना महामारी से लड़ने का है। और आप किसानों को जो खाद बीज दवाई लेने आ रहे हैं, अपनी उपज बेच को जहाँ पर ट्रैक्टर खड़े कर रहे हैं, पिकअप खड़ी करके वो अपनी खल का बोरा तेल जो भी किराना सामान ले रहा है उसको लेकर जो परेशान कर रहे, ऐसी परेशानी ना खड़ी करे किसानों के लिए। क्या राजनीतिक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पर ज़्यादा हावी हो रही है प्रशासन को लेकर। सरकार जबरदस्ती प्रशासन पर दबाव बना रहा है, प्रशासन जबरदस्ती किसानों पर दबाव बना रहा है। जो हजारों सालों से किसानों की जो मंडी है यहाँ पर अपने वाहन ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करता है, लेकिन अब तीन दिन से किसानों को अंदर घुसने दिया जा रहा है। इसको लेकर किसान संघ ने आज कलेक्टर से बात की है, अभी 4 बजे का समय लिया है और उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। मंडी सचिव तो बोल रहे हैं, मंडी सचिव से अभी हमने किसान संघ ने बात की, हमने कहा लिखित में आप आदेश बताओ, अगर आपके पास आदेश आए किसानों को रोकने के लिए तो आदेश बताओ, लेकिन इसको मंडी सचिव साहब कोई ऐसा आदेश नहीं है, मौखिक रूप से किसानों को रोका जा रहा है। अगर अभी भी किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाता तो मंडी के गेट निकाल के ले जाएंगे, मंडी के दोनों गेट निकाल के ले जाएंगे, ज़्यादा परेशान करेंगे। यहाँ पर मंडियों में ट्रालियों को रखा जा रहा है, हमने अभी किसान संघ से भी बात की है, किसान संघ ने अपनी मांगे रखी है कि किसानों की जो ट्राली ट्रैक्टर ट्राली और वाहन है वो अंदर आने दिए जाए। अभी किसान संघ ने सचिव मंडी सचिव उनसे बात की है और यह बताया है कि अब वाहनों को अंदर आने दिया जाएगा, ऐसा कोई आदेश लिखित में नहीं हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किसानों के वाहनों को क्यों रोका जा रहा है। वहीं सुभाष पटेल बताते हैं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, अगर किसान अपना अनाज मंडी में नहीं लाएंगे तो फसल बेचेगा कहाँ। वहीं किसान संघ ने चेतावनी दी कि अगर वाहनों को रोका गया तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं किसान संघ ने जब मंडी सचिव से बात की तो पता चला कि कोई लिखित आदेश आया ही नहीं, इसके बाद भी वाहनों को रोका जा रहा है।